देव दिवाली या कार्तिक पूर्णिमा को महाराष्ट्र में त्रिपुरारी पूर्णिमा के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर पुणे के मशहूर दगडूशेठ हलवाई मंदिर में दीयों से सजाया गया है और बप्पा को 500 तरह की मिठाइयों का भोग लगाया गया। इस रिपोर्ट को देखिए। पच्चीस हजार दीयों से सजा गणपति बप्पा का मंदिर। पुणे के दगडूशेठ हलवाई मंदिर में चढ़ा 500 मिठाइयों का भोग। महाराष्ट्र में त्रिपुरा पूर्णिमा का उत्सव है और लाखों लोगों की आस्था के केंद्र पुणे के दगडूशेठ हलवाई मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। मंदिर में हर तरफ रोशनी ही रोशनी है। मंदिर के अंदर मिठाइयों के बीच दिए रोशन है तो मंदिर के कंगूरों तक रंग बिरंगी लाइट की झिलमिलाहट नजर आ रही है। फूलों की सजावट और रंगोली ने भी मंदिर की शोभा को चार चांद लगा दिए। राक्षस त्रिपुरासुर का वध भगवान शंकर के हाथों से हुआ, लेकिन उसमें वध करते समय बहुत विघ्न आ रहे थे, नहीं हो पा रहा था। तब आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि गणेश स्मरण न करते हुए आप युद्ध को चले गए, इसलिए ये विघ्न आया है। तो भगवान शंकर ने तुरंत गणेश जी का स्मरण किया और गणेश जी ने उनको युक्ति बताई और त्रिपुरासुर का वध वो कर पाए। मंदिर में गुरुवार को बप्पा को 500 तरह की मिठाइयों का भोग लगाया गया और 25,000 दियों से मंदिर प्रांगण को रोशन किया गया, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। ये देव दिवाली मनाने का ये परंपरा है, ये आज तक चालू है। श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपति मंदिर में इस देव दिवाली का आयोजन हमने दीपोत्सव के माध्यम से किया है। गणेश जी को 500 विविध प्रकार के भोग हमने आज लगाया है। सभी भक्तों के ओर से ये गणेश जी को भोग चढ़ाया है और 25,000 दीप अभी दीपोत्सव के कारण हमने जलाए हैं। मंदिर मैनेजमेंट के मुताबिक ये सारा प्रसाद पूजा अर्चना के बाद पुणे के ससून अस्पताल, अनाथ आश्रम और ब्लाइंड स्कूलों में बांटा जाएगा। मोहन दुबे, न्यूज़ नेशन, पुणे।